हेलो गाइस, तो आज हम नमक से बिजली बनाने वाले हैं। हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइंस के हिसाब से ये पॉसिबल हो सकता है। पर यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम वाटर प्लस साल्ट प्लस कुछ मेटल का यूज करके बिजली बनाने की कोशिश करने वाले हैं, क्लियर। चलिए तो अब शुरू से शुरुआत करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और मुझे भी समझाने में आसानी हो। तो किसी भी नॉर्मल बैटरी को बनाने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइज। तो हमारी जो साल्ट वाटर बैटरी होगी उसमें साल्ट और वाटर मतलब कि पानी और नमक का मिश्रण एक तरह से इलेक्ट्रोलाइज की जगह काम करेगा। अब हमें जरूरत है कैथोड और एनोड की, तो इसके लिए हम कुछ मेटल का यूज करेंगे। लेकिन मैं आपकी एक कंफ्यूजन को दूर किए देता हूँ। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें कुछ यूट्यूबर कैथोड के लिए कॉपर का यूज करते हैं तो कुछ ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई बेस्ट कौन सा रहेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप कैथोड के लिए कॉपर, आयरन और ग्रेफाइट का यूज कर सकते हो। वहीं एनोड के लिए आप जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का यूज कर सकते हो। इन मेटल का यूज करके साल्ट वाटर बैटरी बनाई जा सकती है और वो 100% काम भी करेगी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इनमें से कुछ ऐसे मेटल हैं जिनसे बिजली बनाई जा सकती है और कुछ ऐसे हैं जिनसे कि काफ़ी अच्छी बिजली बनाई जा सकती है, और वहीं कुछ ऐसे भी मेटल हैं जिनसे कि काफ़ी ज़्यादा बिजली बनाई जा सकती है। अब हमें देखना ये है कि किस मेटल का यूज़ करके सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जा सकती है। तो इसके लिए हमने पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिनके रिजल्ट मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। अगर हम एक ग्लास में नमक और पानी को घोल लें और उसमें आयरन और एल्यूमिनियम को डालें तो हमें लगभग 0.36 वाटर करंट देखने को मिलेगा, और वहीं अगर हम कॉपर और एल्यूमिनियम को डालें तो हमें लगभग 0.54 वाटर करंट देखने को मिलेगा, जो कि आयरन और एल्यूमिनियम से थोड़ा ज़्यादा है। और अगर हम कॉपर और जिंक को डालें तो हमें लगभग 0.77 वाट का करंट देखने को मिलेगा, जो कि उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा भी है। लेकिन अगर हम कॉपर और मैग्नीशियम को डालें तो हमें लगभग 1.50 वाट का करंट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है उन तीनों से। 1.50 वाट काफ़ी अच्छा करंट है। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट और मैग्नीशियम को डालें तो हमें लगभग 2.3 वाटर करंट देखने को मिलेगा, जो कि उन सबसे काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा भी है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि कौन सी चीज़ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर आपके पास ग्रेफाइट और मैग्नीशियम है तो आप उससे बैटरी बनाइए, काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि 2.3 वाट का करंट निकालता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास कॉपर और जिंक है तो हम इसी का यूज करके साल्ट वाटर बैटरी बनाएंगे। लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये आपके पास भी होगा, लेकिन बस आपको इसका पता नहीं है। चलिए तो साल्ट वाटर बैटरी बनाते हैं। We are donate our life for science, so please you don't try at home. तो एक साल्ट वाटर बैटरी बनाने के लिए आपको चाहिए नमक, पानी, गिलास और ये बैटरी। इस तरह के सेल्स आपके घर में आराम से मिल जाएंगे, और ये एक ही मोबाइल बैटरी। अब इन दोनों बैटरी को यूज़ किया है मैं आपको बताता हूँ। इसमें से हम निकालेंगे कॉपर और इसमें से निकालेंगे जिंक, ये आप सभी के घर में मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम इस बैटरी के अंदर से कॉपर को निकालते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये बैटरी चार्ज बैटरी नहीं है, ख़राब बैटरी है। और अगर आप एक चार्ज बैटरी को काटेंगे तो उसमें धमाका हो सकता है, वो बैटरी फट जाएगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और बहुत सेफ्टी के साथ आपको बैटरी खोलना है। तो इस बैटरी के अंदर निकलेगा ये इस तरह का कुछ, तो इसे हम खोलते हैं और ये एक सीट की तरह है, आप देख सकते हो। और अब आप देखिए, ये है पन्नी की सीट और इसके अंदर ये है कॉपर।
ये है कॉपर की सीट एक, और ये है एल्यूमिनियम की सीट। तो हमें ज़रूरत है इस कॉपर की कॉइल की, तो इसके अंदर से हम ये कॉपर निकाल लेंगे। ये देखिए अब कॉपर है ये, तो इसे हमें सिंपली से हटा देना है कॉपर को, इसके ऊपर से इसे साफ कर लेना है। काफ़ी आराम से कीजिए, काफ़ी हल्का कॉपर है ये, तो इसे हल्का से हमने साफ़ कर लिया और इसे हम इस तरह से काट लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉपर। अब हमें ज़रूरत है जिंक की, तो जिंक के लिए हम इस तरह की बैटरी का यूज़ करेंगे। ये ख़राब बैटरी है, इन दोनों के अंदर से जिंक निकलेगा, और वो कैसे निकलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसे आपको सिंपली काटना है। तो अभी आप जो ये देख रहे हो ये पूरा जिंक से बना हुआ है, तो हमें इसी की जरूरत है। चलिए तो इसे निकालते हैं इसके अंदर से। तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसे हटा देना है। और ये है हमारी जिंक प्लेट जिसका हमें यूज करना है इस साल्ट वाटर बैटरी में। तो इसे मैं पहले सीधा कर लेता हूँ, इसे मैं इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेता हूँ। तो अब हम इन दोनों मेटल्स को इस तार से बांध देते हैं, आपस में कनेक्शन कर देते हैं। तो हम इन दोनों मेटल्स को कुछ इस तरह से कनेक्शन कर देते हैं, ये आप देखिए। लेकिन हम यहाँ पर 7 कप के अंदर साल्ट वाटर बैटरी को बनाने वाले हैं, तो हमें इस तरह के 7 कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए तो बनाते हैं। और ये हो गए हमारे 7, ये हमारे 7 कनेक्शन बनकर तैयार हैं। और हमें एक इस तरह का कनेक्शन बनाना है और एक इस तरह का। ये केवल कॉपर है और ये जिंक है, तो इस तरह का हमें बनाना है। इसके नीचे कोई भी नहीं बांधना है, ये मेन तार होंगे, तो इसे हम साइड में रखते हैं। चलिए तो अब बनाते हैं सॉल्ट वाटर बैटरी। जो हमने बनाए थे इनको इस ग्लास के अंदर डालना है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, एक साइड पर जिंक है, एक साइड पर कॉपर, एक साइड पर जिंक और एक साइड पर कॉपर, मतलब कि एक ग्लास के अंदर एक कॉपर और एक जिंक होना चाहिए। किसी भी ग्लास के अंदर डबल कॉपर या डबल जिंक ना हो जाए, वरना पूरी बैटरी खराब हो सकती है और वो काम नहीं करेगी। तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है।
ये है हमारी साल्ट बैटरी। इसे मैंने दूसरी बार बनाया है, पहली बार एक बार दिन में बनाया था और एक बार नाइट में। अब आप देख सकते हैं दिन में हम सही से नहीं देख पाए थे कि चल रही है नहीं चल रही। अब देख रहे हैं LED आपके सामने, जला कर दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इस लाइट को बंद कर दूँ तो आप और क्लियरली देख पाओगे कि ये LED जल रही है। ये लाइट नमक से चल रही है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं इसके एक हिस्से को निकाल देता हूँ। अब आप देखिए लाइट बंद हो गई। अब मैं फिर इसे लगा देता हूँ तो ये फिर चलने लगी। चलिए मैं इसे उल्टा लगा कर देखता हूँ तो कि उल्टा लगाने पर क्या होगा आखिर। ये देखिए, उल्टा लगाने पर भी जल रही है लेकिन बहुत कम। और अब आप देखिए ये कितनी रोशनी इसकी बढ़ जाती है। ये देखिए, इस गिलास में केवल नमक और पानी है और कुछ नहीं है। तो इस तरह से नमक से भी बिजली को बनाया जा सकता है। आपको ये आइडिया कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी जो साल्ट वाटर बैटरी है वो काम तो कर रही है लेकिन इसे हम डेली यूज में नहीं ले सकते क्योंकि इतना सारा तामझाम करने के बाद भी हम इस बैटरी से केवल एक छोटी सी 3 वाट की LED को चला पा रहे हैं। इसे हम किसी भी कीमत पर अच्छा तो नहीं बोल सकते लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में सबको हैरान करना चाहते हैं तो आप इस बैटरी को बना सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसी के पास में बेल आइकन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे कि हमारी सभी इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।